उसमें जितने बायबैक पॉलिसी वाले जो कंपनियां हैं वो मोस्टली स्कैम ही करती है, क्योंकि मशीन बायबैक के नाम पे बेच देती है और प्रोडक्ट जब लेने की बारी आती है तो वो नकर जाते हैं। देखो सर, मेरे पास में एग्रीमेंट है, लाइफ टाइम एग्रीमेंट है जादव एंटरप्राइजेज का, 500 रुपए स्टाम्प है। ठीक है, जादव एंटरप्राइजेज कंपनी प्रोपराइटर और ओम प्रकाश शर्मा को कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी इस मशीन को चला सकता है। कौन कौन ऑपरेट करता है? दोनों पति पत्नी चलाते हैं। एक मशीन का प्रोडक्शन 80 से 100 किलो का प्रोडक्शन, 80 से 100 किलो एक दिन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसे बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेकर के आए हैं जिसकी शुरुआत आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं और दोस्तों आप अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कोई ऐसा बिजनेस आइडिया बता दीजिए जिस बिजनेस आइडिया में अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो और बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना हो। एक ऐसा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आइडिया बता दीजिए जिसके अंदर अच्छे खासे डिमांड हो। तो आज का ये वीडियो देखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आज जब हमारी टीम इस बिजनेस के बारे में रिसर्च कर रही थी तो उसे पता चला कि आज के समय में 12,000 करोड़ का मार्केट साइज है इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का। और तो और ये बिजनेस जो है वो 8% के CAGR के साथ ग्रो कर रहा है। मतलब साफ है कि आने वाले 5 से 7 सालों के अंदर ये बिजनेस जो है वो डबल का होने वाला है, 24,000 करोड़ का होने वाला है। जरा सोच कि आज जिस तरह की सिचुएशन चल रही है इसमें धार्मिक कल्चर जो है वो काफी तेजी से डेवलप हो रहा है और जितना तेजी से ये धार्मिक कल्चर डेवलप होगा दोस्तों उतनी ही तेजी से इस बिजनेस की डिमांड बढ़ती जाएगी। आप अगर इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो यहाँ पर दो चीजें आपको करनी होती है। सबसे पहली काम होती है मैन्युफैक्चरिंग और दूसरी काम होती है मार्केटिंग। दोनों में से कोई भी एक गड़बड़ हो गया तो आपका बिजनेस फेल होता है दोस्तों। लेकिन जरा सोचिए कि आज अगर आपको मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग में आप जो है सामान लेकर के रॉ मटेरियल लेते हैं और उससे सामान तैयार करके रेडी कर देते हैं और फिर अगर मार्केट में नहीं बिकता है तो ये आपके लिए प्रॉब्लम बन जाता है। लेकिन जरा सोचिए कि अगर आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दें जिस अपॉर्चुनिटी के अंदर आप प्रोडक्ट बनाएंगे भी और मार्केट में बेचने की कोई झंझट नहीं रहेगी, एक फिक्स प्राइस पर एक कंपनी जो है वो आपके माल को उठा लेगी, तो आप यहां से कितने कमाई कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप अपने ब्रांड नेम से इस बिजनेस की भी शुरुआत करना चाहते हैं, इन फ्यूचर अगर आपके दिमाग में आता है कि हमें अपने ब्रांड नेम से इस बिजनेस की शुरुआत करनी है तो इसके लिए आप पूरी तरह से ओपन है, आप ऐसा चाहें तो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एग्रीमेंट भी दिखाएंगे कि किस तरह से कंपनी एग्रीमेंट कर रही है इस प्रोडक्ट के लेकर के, इस बिजनेस को लेकर के, और किस तरह से लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। मैं लाइव रिव्यू दिखाऊंगा, लाइव तरीका दिखाऊंगा इस बिजनेस को करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप अथॉरिटी। मैं और हमारी टीम काफी रिसर्च करके इस तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप तक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आती है। इसके बदले में हम आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले समय में जब भी मैं इस तरह की वीडियो लेकर के आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं और लेकर के चलता हूं मैं आपको सीधे लाइव दिखाने के लिए एक बंदे के पास जो इस मॉडल पे काम कर रहा है और जबरदस्त कमाई कर रहा है। तो चलिए देखते हैं। कई बार एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया के न होने की वजह से वो अपना बिजनेस शुरू नहीं कर पाता है। और ऐसे ही जब हम लोग राजस्थान विजिट करने आए थे तो मेरा मुलाकात इनसे हुआ, ओम प्रकाश जी से, और ये पहले मार्केटिंग में जॉब कर रहे थे, हाई पेइंग मार्केटिंग जॉब कर रहे थे और इनका दिमाग चेंज हुआ, जैसे हम आपके तरह होता है कि हम भी लोग एक नए बिजनेस की शुरुआत करें। तो इन्होंने भी अपने आप को बिजनेस में लेकर के आने के लिए अपनी मार्केटिंग की जॉब छोड़ दी और आज के समय में इनका खुद का बिजनेस चल रहा है और इस बिजनेस से ये पर डे का लगभग 1500 से 1800 रुपया कमाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, जिस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ये कर रहे हैं उस प्रोडक्ट की डिमांड पूरे इंडिया में रोज बढ़ रहा है। आपको जानकर के ताजुब होगा कि लगभग 1200 टन प्रोडक्शन जो है वो डेली का डिमांड है पूरे भारत का, लेकिन अभी तक 700 टू 800 टन जो है वो सिर्फ मार्केट में फुलफिल हो रहा है। और ये कैसे प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं जिसकी जरूरत हर किसी को है, हर किसी के घर में है। तो आज मैं यहाँ पर राजस्थान में लेकर के आया हूँ आपको और मैं इनसे ही जानने की कोशिश करूंगा कि मार्केटिंग में जो जॉब कर रहे थे उसमें क्या प्रॉब्लम थी और अब जो इनकी नई जर्नी है, नई लाइफ है जिसमें ये अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं उसमें इनको क्या बेनिफिट मिल रहा है, कितना हैप्पी है उससे, तो ये सब कुछ इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि अगर आप भी आने वाले टाइम में एक नया बिजनेस करना चाहते हैं तो इनके सपोर्ट से और इनके हेल्प लेकर के और आप कैसे शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं, जानते हैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में पूरी जानकारी। लेकिन उसके पहले मैं बता दूं कि मैं और हमारी टीम पूरी रिसर्च करके इस तरह की शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आपके पास लेकर के आती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। और उसके बदले में हम सिर्फ आपसे इतना रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो
वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप बिजनेस की तलाश में हैं तो यहाँ पर एक बार इनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप अथॉरिटी पे। सर आप पहले मार्केटिंग में जॉब करते थे और अभी आपने नया बिजनेस शुरू कर लिया, तो उन दोनों लाइफ में क्या डिफरेंस है? सर देखो, मैं मार्केटिंग लाइन में था तो वहाँ पे सैलरी भी कम मिलती थी, पूरे दिन प्रेशर रहता था काम का, यहाँ पे किसी का कोई प्रेशर नहीं है, अपना खुद का बिजनेस है, चल स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते तब बंद करना होता तब बंद कर लेते हैं, किसी का कोई प्रेशर नहीं है इसमें, अपने मन के मालिक है, के मालिक है सर। सो अभी जो उस समय जो प्रॉब्लम्स आ रही थी और अभी के टाइम में मार्केट में क्या सीन चल रहा है, मार्केट में आपका जो बिजनेस है वो कितना डिमांड है? मैं 5 साल से इस बिजनेस के अंदर हूँ, 5 साल में मैंने इतना ग्रोथ किया इसके अंदर, मैं बताऊँ जहाँ मैंने इसको 20,000 से स्टार्ट किया, आज मैं 50,000 से 60,000 रुपए पर मंथ कमा रहा हूँ सर इसके अंदर। ओके, 20,000 से शुरू किया और 50-60,000 कमा रहे हैं। तो इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक बार हमको दिखा दीजिए कि इसकी पूरी मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। जी सर। तो दोस्तों अब चलते हैं, सबसे पहले प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है एक एक स्टेप बताऊंगा, ताकि आप भी 10 मिनट में सीख जाएंगे कि कैसे इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी शुरुआत आप अपने घर से कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए प्रोसीजर क्या होता है। तो सर सबसे पहले ये बताइए कि 1 kg प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या मटेरियल लगता है? सर 1 kg के लिए 1 किलो तो पाउडर चाहिए अपन को, 40 ग्राम जिगर चाहिए, चिकनाहट के लिए काम आता है, और सर उसमें 600 ग्राम पानी डालता है। 1 किलो पाउडर में 300 ग्राम स्टील लगती है, 300 ग्राम स्टील लगने के बाद में 1 किलो 300 ग्राम अगरबत्ती तैयार हो जाता है। तो एक बार हम समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अगरबत्ती बनाने तक का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो सर आप एक बार बना के दिखाइए कितना कितना मटेरियल क्या लगता है। जी सर, ये हमने लिया सर, इसमें 1 किलो पाउडर डालेंगे, हमने इसको बाल्टी को 0 पर सेट कर दिया है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे अब मटेरियल देखेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल लग रहा है। ओके, मिक्स पाउडर जैसे आपने 1 किलो 1 kg पाउडर ले लिया आपने, चिकनाहट के लिए 40 ग्राम ये डालेंगे सर, 40 ग्राम इसमें हम जिगट पाउडर डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें अब अपन 600 ग्राम पानी डालेंगे, 600 ग्राम पानी अपने पाउडर तोल लिया है, इसको अपन आप मिक्सर मशीन में डालेंगे, इसके अंदर इस मसाले को डाला अपन ने, इसके बाद में अपन इसमें 600 ग्राम पानी डालेंगे, ठीक है। पानी डाला, अब अपने इनको मिक्स करेंगे पानी, अभी अपना पाउडर तैयार हो गया है, ये पाउडर बिल्कुल तैयार हो चुका है अपना, अभी इसको अपन बाहर निकाल लेंगे, पानी कम, ये सर पाउडर मिलकर तैयार हो गया है, अब इस पाउडर को अपन मशीन के अंदर डालेंगे, इस बाल्टी के अंदर ये हमने पाउडर डाला इसके अंदर, अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, अब इसके बाद में अपन स्टिक यहाँ पे रखेंगे सर, इसके अंदर अपन स्टिक रखी है, ये फुल ऑटोमेटिक मशीन है सर, अपन यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, बस्ती बन के तैयार होकर आ रही है, यहाँ पे अगर बत्ती तैयार होने के बाद में अपन इसे उठा के स्टैंड रखेंगे, तो अपनी अगरबत्ती तैयार हो चुकी है, स्पीड कम ज़्यादा जैसे ये स्पीड कम हो गई है, और इसको स्पीड को अपन बढ़ा भी सकते हैं, देखिए दोस्तों आज के समय में किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, इवन मैन्युफैक्चरिंग की जब हम बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग में किसी भी प्रोडक्ट के बारे में आप थोड़ी सी स्किल सीख सकते हो और उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो, प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करके पैकेजिंग कर सकते हो, लेकिन असली कमाई तब होती है जब वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल होता है। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पूरा आंसर मैं आपको दूंगा और बताऊंगा कि कैसे आपको बेचने की भी जरूरत नहीं है और आपके घर से प्रोडक्ट बना बनाया आपका प्रोडक्ट जो है वो सीधे कंपनी के पास पहुंच जाएगा और आपको कोई टेंशन लेने की नहीं पड़ेगी। तो इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के समय में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है मार्केट में किसी को भी जो बिजनेस की शुरुआत करता है, तो प्रोडक्ट तो कहीं से भी बना के सीख जाता है, कोई भी कंपनी होती है, कोर्सेज खरीद लो छोटे छोटे तो कोर्सेज बना के सीख जाते हैं। जो आप धंधा कर रहे हैं, इस धंधे में सेलिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। मैंने कई सारे लोगों को देखा है जो बिजनेस तो स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन सेल नहीं कर पाते तो बिजनेस बंद हो जाता है। तो आपका कैसे बिजनेस मॉडल है जिसमें कि बिना परेशानी के आप इसको एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं? जो हमने ये मशीन खरीदी है वही जादू
और एंटरप्राइजेस हमने मशीन खरीदी है, वहाँ से हमारा एग्रीमेंट है लाइफ टाइम का। तो हमको सिर्फ बनाना है, बनाने के बाद में तैयार करके कंपनी खुद माल उठा के ले जाती है और कच्चा माल पहुंचाती है हमारे पास। हमको मार्केट में कहीं भी माल बेचने की जरूरत नहीं है। जादव एंटरप्राइज को आप भेजते हैं ये माल सारा? जैसे कई बार दोस्तों ऐसा भी देखने को मिलता है, या फिर आप बिजनेस कर रहे होंगे तो आपको पता चलता होगा कि प्रोडक्ट बना करके मार्केट में जब भेजा जाता है तो जो कंपनी बाय आउट करती है इसको, तो उसको कई तरह की प्रॉब्लम होती है। कई बार बोलते हैं कि इसका साइज वो नहीं है जो क्वालिटी चाहिए और वो माल को रिजेक्ट कर देते हैं। तो इसमें आपके साथ कुछ कभी ऐसा हुआ? नहीं सर, 5 साल में मेरे साथ में कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन माल क्या है, आप प्रॉपर तरीके सही बनाते हो तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। तरीके से सुखाना बनाना अगर सही तरीके कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती, कंपनी को कोई नहीं। आप सही माल बना के दो कंपनी, आप जितना माल बना के दो कंपनी माल खरीदेगी आपसे। एक चीज और, मान लीजिए कि अभी हम लोग राजस्थान के अंदर है, अगर कोई बंदा यूपी से है या फिर केरला साइड से है या फिर कोलकाता साइड से है, तो वो अगर मशीनरी लेकर के जाता है, जहां से आपने मशीन लिया है वहां से अगर वो मशीन लेके जाता है और फिर वो माल को सप्लाई करना चाहता है, तो वो तो यहाँ आ ही नहीं पाएगा, तो फिर कैसे होगा? सर ऐसी बात नहीं, यहाँ से बहुत दूर दूर मशीनें गई हैं, वहां से माल हमारे यहाँ पे आता है, ज्यादा एंटरप्राइज माल जाता भी है। अगर यहाँ नहीं पहुंचाना चाहता, अगर वो वहाँ पे सेलिंग करना चाहता है, मार्केटिंग करना चाहता है सेंटर करके, तो कर सकता है, कंपनी को उसमें कोई एतराज नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चीज और क्लियर हुआ कि अगर आप अपना खुद का ब्रांडिंग भी करना चाहते हैं तो करके मार्केट में उतार सकते हैं, लेकिन अगर आपको ब्रांडिंग नहीं करना है, सेल का टेंशन नहीं लेना है, तो आप बिना सेंटिंग किए, मतलब बिना उसमें सेंट लगाए, आप सीधे वो प्रोडक्ट कंपनी को लौटा सकते हैं। क्या कोई ऐसा भी प्रोसेस है कि माल, ये जो रॉ मटेरियल है जो आपके पास था, ये रॉ मटेरियल यहाँ से भेजा जाए और उधर से माल वापस आ जाए? हाँ जी, ऐसा होता है, ट्रांसपोर्ट के द्वारा होता है। तो उसका पेमेंट सिस्टम क्या होता है? क्या है कि दूरी के हिसाब से हमारी कंपनी उनको किराया देती है। ठीक है, जितने ज्यादा दूर है उतना उसको किराया बढ़ा देती है, जो कंपनी देती है किराया। तो इसमें पूरा कंपनी किराया देती है या एक साइड का? एक साइड। जैसे मान लीजिए कि आप यूपी में कहीं से शुरू कर रहे हैं या फिर कोलकाता के अंदर कहीं से शुरू कर रहे हैं, तो यहाँ से जो रॉ मटेरियल जाएगा आपके पास, उसका किराया आपको देना पड़ेगा, और उधर से माल वापस जब यहाँ आएगा तो वो पैसा जो है वो कंपनी पे करेगी। मतलब वन साइड पैसा जो है आपको पे करना पड़ेगा। और ये इस तरह से देखा जाए तो ये बहुत शानदार बिजनेस आइडिया दोस्तों। ओमप्रकाश जी एक क्वेश्चन बताइए, क्योंकि देखिए मैं अभी तक जितने भी रिसर्च किए हैं उसमें जितने बायबैक पॉलिसी वाले जो कंपनियां हैं वो मोस्टली स्कैम ही करती है, क्योंकि मशीन बायबैक के नाम पे बेच देती है और प्रोडक्ट जब लेने की बारी आती है तो वो नकर जाते हैं या फिर वो बोल देते हैं कि माल में इतनी डिफेक्ट है, प्रॉब्लम है वगैरह वगैरह करके और रिजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह की चीजें आपने कभी फेस की कि नहीं करी? आज तक मेरे वैसे कोई दिक्कत नहीं आई। जब मैंने जुड़ा था इससे कंपनी में, तो मेरे को पहले विश्वास नहीं होता कि हो सकता है फ्रॉड हो जाए अपने साथ में, कंपनी भाग जाए, अपना माल नहीं ले। तो मैं, मेरे दोस्त ने मेरे को जब ये काम बताया, मैं वहाँ पे गया तो मैंने यही क्वेश्चन किया उनसे। उन्होंने जो उनके पहले से मशीनें लगी हुई थी उनके मेरे को नंबर दिए, मैंने उनसे कॉन्टेक्ट किया, वहाँ पे विजिट की, विजिट करने पर मेरे को विश्वास हुआ, उसके बाद मैंने वहाँ से मशीन ली। तो ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे फ्रॉड होने वाला हो। अगर कोई फ्रॉड करता है तो फिर क्या करें? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है कि फ्रॉड हो। एक एग्जांपल मान लीजिए कि अगर कोई ना करे तो फिर उसके बाद से क्या? देखो सर मैं बताऊँ, आज तक की 250 से 300 मशीनें बिक चुकी है मार्केट के अंदर। ठीक है, आज तक कोई एक भी केस ऐसा नहीं है कि जिसके साथ में फ्रॉड हुआ हो। जो मशीन बंदे होती है वो खुद कस्टमर की वजह से बंद होती है, कि वो चला नहीं पाता हो, उसके साथ में कोई समस्या आ रही हो, इस वजह से बंद होती है, बाकी कंपनी तरफ से कोई मशीनें बंद नहीं। तो क्या कोई एग्रीमेंट देते हैं? एग्रीमेंट करवाते हैं सर। देखो सर मेरे पास में एग्रीमेंट है, लाइफ टाइम एग्रीमेंट है जादव एंटरप्राइजेस का, 500 रुपए की स्टाम्प है। ठीक है, जादव एंटरप्राइजेस कंपनी प्रोपराइटर और ओम प्रकाश शर्मा पुत्र रामजी लाल शर्मा निवासी देश जयपुर, 11/12/2018 का एग्रीमेंट है मेरा। सो ये लाइफ टाइम का एग्रीमेंट है और यहाँ पर ये रूल्स हैं, नियम्स हैं कि क्या क्या आपको करना होगा, कितना रुपए रेट मिलेगा। ठीक है, तो हमने एग्रीमेंट देख लिया, एग्रीमेंट सही है। इसका मतलब कि अगर कंपनी एग्रीमेंट करके दे रही है और बाद में ऐसा कुछ करती है तो आप क्लेम भी कर सकते हो। मान लीजिए कि कोई बंदा है जिसको कोई नॉलेज नहीं है और वो ट्रेनिंग लेना चाहता है और फिर मशीन खरीदना चाहता हूँ, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर है कि सर कोई भी बंदा मशीन लेना चाहता है वो कंपनी में विजिट करता है, कंपनी में विजिट करने के बाद में जो प्रोपराइटर है बताया जाता है कि आप यहाँ पे आके मशीन चला के देखिएगा, एक दिन देखिएगा, दो दिन देखिएगा, सीखिएगा यहाँ पे आके। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप इस काम को कर सकते हो तो काम कीजिएगा, अगर नहीं बैठता है कंपनी मना कर देती है कि काम मत कीजिएगा। अगर वो ले जाता है मशीन खरीद के और उसको कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर उसका क्या सोल्यूशन? सर अगर बंदा यहाँ देख के मशीन लेके जाता है, उसके बाद में अगर उसको प्रॉब्लम आती है तो कंपनी से यहाँ से जाता है देखने के लिए, एक बार जाता है, दो बार जाता है, तीन बार जाता है, चार बार जाता है, आप जितने दिन उसको बुलाओगे जाएगा, चार बार तक तो वो बिल्कुल निःशुल्क जाता है, उसका कोई चार्जेज नहीं है, ना किराया लगता है ना कोई चार्जेज लगता है। चार बार के बाद में अगर भी फिर भी बुलाता है तो उसका सिर्फ किराया का पैसा लगता है, आने जाने का पैसा। ओमप्रकाश जी अभी ये बताइए कि अगर कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है तो उसकी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन कौन से लोग इसको शुरू कर सकते हैं? सर इसको चलाने के लिए ना तो कोई डिग्री चाहिएगी ना कोई डिप्लोमा चाहिए, इसको कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी इस मशीन को चला सकता है। 18 साल के बाद में कोई भी बच्चा बच्ची माँ बाप पति पत्नी कोई भी इस बिजनेस को चला सकता है, काम कर सकता है इस मशीन पे। अभी आपके यहाँ दो मशीनें लगी हुई हैं जी सर, कौन कौन ऑपरेट करता है? दोनों पति पत्नी चलाते हैं। अच्छा, बच्चे
बच्चे भी चला लेते हैं, बच्चे फ्री होते बच्चे भी चला लेते हैं, इसको कोई चला सकता है, हमारा बच्चा है 18 साल का बच्चा है वो भी खूब चलाता है मशीन। ओके, एक दिन में कितना प्रोडक्शन हो जाता है? एक मशीन का प्रोडक्शन 80 से 100 किलो का प्रोडक्शन, 80 से 100 किलो एक दिन का। जी सर, अगर एवरेज 22 देखा जाए तो कितना कमाई हो सकता है? कमाई सर पर डे का ये लगा लो 1500 से 2000 रुपए के बीच में हमारा होता है एक मशीन से। नहीं, दोनों मशीनों से। दोनों मशीन से सर, एक मशीन से आराम से 800-900 रुपए का काम हो जाता है। 800-900 रुपए का काम हो सकता है 8-9 घंटे के अंदर, 24 घंटे वो चला दे मशीन, 24 घंटे चला सर इनकम डबल हो जाती है, इनकम डबल हो जाएगी। देखिए दोस्तों, ये जो है मशीन, इसके अंदर जो अगरबत्ती बनी हुई है उसको ड्राई किया जाता है, सुखाया जाता है। तो इसका एक तरीका देखिए, ये एक अच्छा तरीका है जो मेरे को पहली बार ये दिख रहा है। तो सर एक बात बताओ, ये जो मशीन आपने लगा रखी है इसके बदले में हम इसको सनलाइट में भी तो सुखा सकते हैं डायरेक्ट? सर सनलाइट में नहीं सुखा सकते, सनलाइट में क्या सर, ये जो बांस की स्टिक होती है ना सर, ये टेढ़ी हो जाती है सर। अच्छा जी, तो इसको ड्रायर के अंदर ही सुखाया जाता है, तो इसमें पैक करके इसको दबा दिया जाता है, फिर इसको इसमें से मॉइस्चर निकाला जाता है। इसके अलावा कोई और तरीका है या हमेशा इसी तरह का करना पड़ेगा? यही तरीका है सर इसको सुखाने का। देखिए दोस्तों, इसको ड्राई करने का ये तरीका है कि एक झाट लगा दिया गया है और यहाँ से हवा निकलता है और आराम से ये जो है आपका प्रोडक्ट ड्राई हो रहा है। ये माल रेडी हो गया जी। अब इसके बाद आप क्या करते हो? यहाँ पे ये सूखने के बाद में हम इसके इस तरीके के बंडल बनाते हैं सर। ठीक है, इसको हम कंटों के अंदर भरते हैं, तो भरने के बाद में इसको कंपनी को भेज दिया जाता है सर। अब हमारा काम इतना ही होता है। मान लीजिए कि कोई बंदा है जो चाहता है कि इसको सैनिटाइज करके और प्रोडक्ट बना के अपना खुद बेच दे। सर खुद बेचना चाहता है बेच सकता है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, हम तो सिर्फ कंपनी को माल भेजते हैं, कंपनी सैनिटाइज करके अपना मार्केटिंग करती रहती है। बिल्कुल, हमारा काम इसको यहाँ सूखने के बाद में इस तरह के बंडल बनाए, बंडल बनाने के बाद में कट्टों में पैक किया, कट्टों में पैक करने के बाद कंपनी को भेज देते हैं। मतलब सैनिटाइजेशन से रिलेटेड जितना भी काम हो आपका नहीं है, कंपनी का टेल। मैडम आप इनके साथ आप भी काम करती हैं? हाँ, काम करते हैं। तो आपको मशीन चलाने में कोई दिक्कत तो नहीं होती? दिक्कत नहीं आती। कितना देर काम कर लेते हो आप? 8 घंटा काम कर लेते हो? तो मशीन में कभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आता है तो कैसे सॉल्व हो जाता है? आप करते हो या कंपनी से टीम आती है? ये करते हैं हम। अच्छा, आप कर देते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आप इस बिजनेस वीडियो में समझ गए होंगे कि किस तरह से अगरबत्ती की मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है बिना सेलिंग के टेंशन लिए। मतलब आपको प्रोडक्ट सेल करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रोडक्ट बनाने की है और कंपनी आपसे वो प्रोडक्ट उठा लेगी और उसका जो भी पैसा होगा वो क्विक और इंस्टेंट तरीके से आपको दे देगी। लेकिन एक बार फिर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप इस कंपनी के साथ या किसी भी कंपनी के साथ जुड़े तो सबसे पहले कंपनी के अंदर जाएं, विजिट करें, कंपनी से सारी जानकारी लें और फिर अगर समझ में आता है कि ये बिजनेस आप कर सकते हैं, यानी कि इस बिजनेस में पैसे लगा सकते हैं और फिर आप इसको लार्ज स्केल पर लेकर के जा सकते हैं, तो ही आप इस बिजनेस की शुरुआत करें। और इन सब के बारे में हमने डिटेल जानकारी दे रखी है और इसके साथ साथ यहां पर जो नंबर हो रहा है इस नंबर पे भी आप कॉल करके कंपनी से कनेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने सारा डिटेल दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, वहां पे विजिट करके और सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियो जब भी लेकर के आऊं सबसे पहले आप तक पहुंचाई जा सके। तो दोस्तों मिलते हैं नापचोर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।